करोड़ों रुपयों से खेलना जिनका बाएं हाथ का खेल रहा, और जब पॉल खुलती रही तो उनके चेहरे से रंग भी उड़ता रहा। 5 दिन पहले इन मोटी आसामियों ने राजस्थान में ऐसा हड़कंप मचाया था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि राजस्थान का एक सीनियर IAS करोड़ों की घूस खाने में माहिर हो सकता है। लेकिन जब राजस्थान के सिंघम यानी IPS दिनेश एमएन ने अपनी कार्रवाई की तो इनके चेहरे से नकाब ऐसा उठा कि अब वो चेहरा भी नहीं उठा पा रहे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की गिरफ्त में आए ये राजस्थान के वो सबसे बड़े घूसखोर हैं, जो लंबे समय से ऐसा खेल खेल रहे थे कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। लेकिन जब राजस्थान के एक सिंघम ने अपनी कार्रवाई की तो पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। IPS दिनेश एमएन यानी ACB IG ने भ्रष्टाचार का ये जाल ऐसा तोड़ा कि जाल बुनने वाले भी कराह उठे। फिर चाहे सीनियर IAS अशोक सिंघवी हो या फिर खान महकमे का एडिशनल डायरेक्टर पंकज गहलोत, या फिर इनके वो गुर्गे हो जो इनके इशारों पर करोड़ों की रकम इधर से उधर करने में लगे थे, सब करहा उठे। 20 करोड़ के डील वाले इस मामले में अशोक सिंघवी सहित 8 आरोपियों को ACB ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। शायद इन आरोपियों ने सोचा भी नहीं था कि उनके गिरमा पर कोई हाथ डाल सकता है, लेकिन मजबूत हाथों ने इन गर्दनों पर ऐसा शिकंजा कसा कि करहाने के अलावा अब इनके पास कोई चारा नहीं था। पहले इन्हें गिरफ्तार कर ACB ने 5 दिन के रिमांड पर लिया और गहन पूछताछ की। अशोक सिंघवी के बैंक खाते और लॉकर्स को टटोला गया तो फिर उनमें से करोड़ों का माल बाहर निकल पड़ा। सिंघवी के घर से पहले विदेशी शराब बरामद हुई तो फिर लॉकर ने हथियार उगला। एक पिस्टल लॉकर से बरामद हुई तो सवाल कई खड़े हुए। अक्सर चमकने वाला चेहरा अब मायूस नजर आता है। बेतरतीब दाढ़ी बताती है कि आखिर ACB ने सिंघवी से किस तरह पूछताछ की होगी। और आज इसी कड़ी में एक बार फिर ACB ने सभी 8 आरोपियों को उदयपुर में ACB कोर्ट में पेश किया, जहां से 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं सिंघवी और गहलोत सहित 5 आरोपियों को फिर ACB अधिकारियों को सौंप दिया गया 24 सितंबर सुबह 11 बजे तक। अब साहब 24 तारीख तक फिर ACB इनसे पूछताछ करेगी। और इन 5 दिनों में फिर इनके चेहरों का रंग कैसा होगा वो भी देखना होगा। गौरतलब है कि ACB को आरोपियों के बीच हुई फोन की बातचीत से भी कई चौंकाने वाले सुराग मिल सकते हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए उदयपुर से मनु राव की रिपोर्ट।